So नहीं दिख रहा ना आगे क्या हो आगे देखो मैं स्क्रीन नहीं दिख रही मैं स्पेक्स लेकर हां थोड़ा आगे आ जाओ अगर नहीं दिख रही क्योंकि क्योंकि मैंने सेटअप ऐसे किया है कि सब लोग ऐसे बैठ जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं इधर आप लोग आगे आ जाओ थोड़ा और नहीं यहां से दिख रहा है ना कौन सा कौन सा आप कीबोर्ड कैसे ब्लूटूथ से कनेक्ट किया है क्या नहीं वायरलेस कीबोर्ड है ये हाँ ये जो है ना ये दिख रहा है ना वो ब्लैक कलर का वो इसका वो है और बड़ा कर दो अब दिख रहा है ना सो मैं आज कुछ एक चीज़ होती है इसका नाम है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मतलब परम्यूटेशन का मतलब है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब है कंबाइन करना सो जैसे अभी मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ ये क्वेश्चन सब लोग ट्राई करेंगे पहले तो हेडिंग डाल लो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक भी तुम आज की क्लास से फिर से अच्छे से स्टार्ट करना अच्छे से स्टार्ट करना पहले बहुत सारे लोग हो गए थे तो मेरी कम हो गई थी क्लास अब सारी चीज़ें एकदम मन से करें परम्यूटेशन के नीचे लिख देना अरेंजमेंट और आगे लगानी पड़ेगी ना नहीं थोड़ा क्लास में नहीं आ रहा है जैसे तुम आगे हो सकते हो अपने पिछली सिवारी की जरूरत है इसलिए इसको बीच में रख लूंगा यहाँ पर रख लूंगा इसको यही करना है चेंजेस करने पड़ेंगे अभी तो काम चलेगा सो परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट परम्यूटेशन PERMUTATION यहाँ पे लिखा है PERMUTATION एंड कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है अरेंजमेंट हाँ और कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना सो जैसे तुम्हें मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ तुम्हारे पास कुछ पढ़ा है अपने पास चीजें एक दो तीन ये तीन चीजें हैं ठीक है तीन अलग अलग चीजें हैं ये क्या है ये स्प्रे ये रिमोट और ये पेन है ठीक है तो अब इन तीन चीजों को मैं अब मैंने इसमें इन सारी चीजों में तीन चीजें चूज करी ना यहाँ पर चीजें तो बहुत सारी पड़ी है मैंने चीजें कितनी चूज करी सिर्फ तीन चीजें चूज करी सो अब इन तीन चीजों को कंबाइन करना मतलब मैं इसको ऐसे सुनता हूँ पहले ऑर्डर मास फिर रिमोट और फिर पेन या फिर पहले पहले हाँ फिर या फिर ये तो ये रख सकता हूँ ऑडोमॉस पेन रिमोट ठीक है अब मैं पेन को आगे रखता हूँ पेन ऑडोमॉस रिमोट पेन रिमोट ऑडोमॉस और फिर या फिर रिमोट का आगे रखा तो रिमोट पेन ऑडोमॉस रिमोट ऑडोमॉस पेन तो छह कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ठीक है इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं अरेंजमेंट्स ये अरेंजमेंट्स है ना कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं परम्यूटेशन परम्यूटेशन का मतलब हुआ कि मैं अरेंजमेंट कर रहा हूं अभी तक जो सिलेक्ट किया था ना वो कॉम्बिनेशन था मैं कॉम्बिनेशन कुछ भी ले सकता मैं बैग भी ले सकता हूं कॉम्बिनेशन का मतलब समझ में आया कॉम्बिनेशन का मतलब है कि आप क्या ले रहे हो और परम्यूटेशन का मतलब कैसे अरेंज कर रहे हो तो अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं तीन कलर्स हैं आपके पास क्या कलर परम्यूटेशन अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो है कि क्या मैं कैसे चूज कर रहा हूँ चीजों को जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि फाइव कलर हैं रेड ब्लू ग्रीन व्हाइट येलो लिख लो कलर्स फाइव देखो यू हैव फाइव कलर्स रेड ब्लू ग्रीन व्हाइट येलो रेड
रेड कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन, ग्रीन, व्हाइट एंड येलो, ग्रीन व्हाइट, हाँ एक सेकंड, ग्रीन व्हाइट येलो, ये पांच कलर है ठीक है। मैंने ये व्हाइट दिख नहीं रहा था और येलो मेरे पास था नहीं यहाँ पर, इसलिए येलो ही था और वो दिख नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने दोनों लिख दिए ये वाले ठीक है। पांच कलर है, इसमें से तीन कलर चूज करना है, कितने कलर चूज करना है, चलो पहले पांच कलर चूज करना है, चार कलर चूज करना है, चार 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 कैसे चूज, कौन से कलर चूज कर सकते हो आप, चार कोई भी चार, कितने होंगे डिफरेंट वेज, मान लो एक बार मैंने रेड छोड़ के चार कर लिए, फिर ब्लू छोड़ के साथ चार कर लिए, तो टोटल कितने वेज होंगे। मेरा क्वेश्चन है हाउ मैनी मैनी वेज ऑफ चूजिंग फोर कलर्स, कितने, ट्वेंटी पक्का, आराम से सब लोगों का आंसर है, क्योंकि फोर फोर के पेयर लगेंगे तो आपके पास पांच कलर है। मैं बोल रहा हूँ चूज करना, मैंने अभी परम्यूट नहीं बोला है, ध्यान रखना है, मैंने सिर्फ चूज करने को बोला है कि मेरे को सिर्फ इसमें से चार कलर चूज करने, चूज करने के वो बताना, तो ये तो फाइव 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 बिल्कुल फाइव बोल रही है। और किसी को कोई आंसर है क्या क्वेश्चन, चूज करने का मतलब इसमें से मेरे को कोई पांच रंग चूज करने का मतलब है, जैसे कि मैंने भी इन सबसे में से पेन रियो को चूज किया था ना, चूज करता है, चूज किया कुछ और नहीं करता, पांच रेड नंबर कलर चूज करता है। आपको समझ में आया क्या हो रहा है, नहीं आंसर नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, पक्का ठीक है, तो इसका आंसर पांच है आपका भी, कैसे, मान लो मैंने एक बार रेड चूज नहीं किया, क्या चूज किया मैंने, चूज किया ब्लू ग्रीन व्हाइट ये एक तरीका, फिर मैंने ये चूज नहीं किया ये और ये दूसरा तरीका, फिर मैंने ग्रीन चूज नहीं किया वन, ऐसे करते हुए मैंने व्हाइट चूज नहीं किया, येलो चूज नहीं किया, तो हर बार मैं हर किसी भी को चूज नहीं करूंगा पांच दे, अच्छा पांच चूज करने के, पांच पांच कलर चूज करने के, पांच में से पांच कलर चूज करने के, एक ही बार चूज करना पड़ेगा, तीन चूज करने के, दो बार नहीं तीन करने के, ज्यादा होंगे कम होंगे, चार से चार चूज करने के, चार से ज्यादा होंगे ना, हाँ सोचो बैठ सोचो काउंट करो कितने होंगे, काउंटिंग करो, अगर मेरे को तीन चूज करने हैं तो कितने टोटल भेज होंगे, अभी तक तुम्हारे दोनों से सही है, पांच इसके लिए चार के लिए पक्का, फिफ्टीन होंगे, देख लियो आराम से कर लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं सकते हो, तीन करना है, तीन हाँ अच्छे से काउंटिंग करो, कोई बात जल्दीबाजी नहीं है, कम होंगे मतलब चार चूज करने के, पांच में से चार चूज करने के तरीके जो है उससे कम होंगे जो तीन चूज कर रहे हैं, ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे ना, तो दिल का कैसे कर देते हैं,
सब लोग ट्राई करो लिखने का केसेस कि मतलब मैंने एक बार रेड ब्लू और ग्रीन चूज किया, फिर एक बार ब्लू ग्रीन व्हाइट चूज किया, सारे ट्राई करो। हाँ तो फिर ग्रीन व्हाइट और येलो, फिर तीन ही तो होंगे। रेड ग्रीन और व्हाइट कहाँ लिया आपने? बहुत सारे है ना, बट अच्छे से करो। पहले मैं रेड सिलेक्ट नहीं, रेड व्हाइट और येलो सिलेक्ट नहीं कर रही, फिर उसके मतलब पहले मैं रेड सिलेक्ट नहीं, पर रेड और ब्लू सिलेक्ट नहीं करती, ठीक है, फिर मैं रेड और ग्रीन सिलेक्ट नहीं कर रही, फिर मैं रेड और व्हाइट सिलेक्ट नहीं कर रही, फिर रेड और येलो सिलेक्ट नहीं कर रही, फिर ब्लू और ग्रीन सिलेक्ट नहीं कर रही, ब्लू और येलो सिलेक्ट नहीं कर रही, ब्लू और व्हाइट सिलेक्ट नहीं कर रही, ब्लू और येलो सिलेक्ट नहीं कर रही। जो सिलेक्ट नहीं कर रहे हो कर लो, बस ही हो जाएगा। कोई नहीं, दिखाओ आराम से करो, मैं दिखाओ। पहले ये तीन सिलेक्ट कर लिया, ये दोनों छोड़ दिए, ठीक है, फिर ये तीन सिलेक्ट कर दिया, ये दोनों छोड़ दिए, फिर ये तीन सिलेक्ट कर लिया, नाइन, ठीक है, तीन तीन हो गए, ठीक है, फिर ये तीन सिलेक्ट कर दिया, ये दोनों छोड़ दिए, फिर इसको ये एक दो तीन सिलेक्ट कर लिया, दोनों छोड़ दिए, तो पाँच छोड़ेगा। अच्छे से काउंटिंग करो, अच्छे से काउंटिंग करो, आपका नाइन आ रहा है ना, आपका एक एक के हिसाब से फिनिश किया है। तीन बार हां, इसका सही है, 10 आंसर है। हर एक कलर को देख लेना है। मैं चाहता हूं आप कुछ करो, मैं बताऊंगा आपको। क्या तरीके में क्रिएट कर रहा है? मैं स्टार्टिंग में 10 आ रहा है, मैंने को मार चुका है। ये है ना फर्स्ट टाइम, मतलब आप बोल रहे हो कॉन्फिडेंट होके बोल रहे हैं, है ना, वो ये मेन चीज मैं चेक कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस है कि नहीं बोल रहे। सो और टाइम चाहिए कि मैं बताऊं कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? देख ये तीनों लिए, तीनों लिए नहीं बताऊं, ये तीनों लिए फिर इसको छोड़ दिया, कर लिया, तेरा है आपका, अंजलि फिर ये तीन लिए, ब्लू को छोड़ दिया, फिर येलो ग्रीन दे दिया, व्हाइट को छोड़ दिया, चार फिर येलो ग्रीन हो गया, फिर ग्रीन रेड हो गया, येलो को छोड़ दिया, पाँच चलो मैं बताऊं, देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ कि कौन से मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं दो सिलेक्ट नहीं करूँगा, तीन सिलेक्ट कर रहा हूँ मतलब, तो मैंने पहले रेड और ब्लू सेलेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक है, तो मतलब क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, ग्रीन व्हाइट येलो, फिर मैं सिलेक्ट क्या कर रहा हूँ, रेड और ग्रीन सेलेक्ट नहीं कर रहा, फिर रेड और व्हाइट सेलेक्ट नहीं कर रहा, रेड और येलो सेलेक्ट नहीं कर रहा, तो कितने हो गए, एक दो तीन और चार, चार हो गए। अब जाता हूँ ब्लू पे, ब्लू और रेड का तो हो गया, तो ब्लू और ग्रीन सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, फिर ब्लू और व्हाइट सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और ब्लू और येलो सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तीनों भाई। अब मैं जा रहा हूँ ग्रीन पे, ग्रीन और व्हाइट सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ग्रीन और येलो सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, कितने हो गए, एंड एंड में व्हाइट और येलो, व्हाइट और येलो सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, कितना सम हुआ, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हुआ सम, ठीक है। तो मैंने कैसे ऑर्गेनाइज तरीके से किया ना, कि आसान दो करना आसान है, तो दो सिलेक्ट नहीं करने से मैंने कर लिया। अब तुम्हें फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मूला याद रखना, इसका फॉर्मूला ही होता है, अगर n चीजें हैं, कितनी चीजें हैं, n कलर्स हैं, ठीक है, और आपको n में से आर कलर सेलेक्ट करने, कितने कलर सेलेक्ट करने, आर कलर, उसका फॉर्मूला होता है एन सी आर, इसकी इसका मैं फुल बता रहा हूँ, फुल क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस
पढ़ा है NCR। हाँ तो ये बस ये अब तुम ट्राई करो उसमें डाल के वैल्यू 5C3 डालो कैसा आएगा भाई C3 वैल्यू निकालो 5C3 निकालो वैल्यू इसकी ट्राई करो इसी फॉर्मूले से n फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल 120 यहाँ पे भी लिख दूँगा अब मेरे को करके दिखाओ अगर तुम तीन चीजें सिलेक्ट कर रहे थे ना अभी तीन कलर दो कलर सिलेक्ट कर रहे भैया अभी तीन कलर चूज कर रहे थे अब दो कलर चूज कर रहे हैं आंसर सेम होगा कि अलग होगा देखिए क्या अच्छे किया किसी ने अभी बोला जल्दी करती है बहुत भैया ना देखो ना दो सिलेक्ट नहीं करना और दो सिलेक्ट करना बात तो एक ही है खुद सोचो दिमाग लगाओ मैं दो सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ कितने तरीके हैं दो सिलेक्ट करने हैं हाँ उस समय अपन तीन कलर चूज कर रहे थे अब दो कलर चूज करना ना तो तीन तीन का बियर छोड़ या बियर टेन तो ये आंसर सेम आएगा टेन आंसर तब भी सेम आएगा अगर तुम्हें लिटरली अगर करके देखना है तो एक चीज कर सकते हो कि डाल के लगे फॉर्मूले में 5 फैक्टोरियल / 2 फैक्टोरियल / 3 फैक्टोरियल आ रहा है तो अब बारह वही नहीं है पहले 3 फैक्टोरियल / 2 फैक्टोरियल आ रहा है 2 फैक्टोरियल / 2 फैक्टोरियल आ रहा है बात तो एक ही है ना सब लोगों ने कर लिया अपने खुद से फॉर्मूले में रखा ना अब मैं आपको एक और चीज बोल रहा हूँ ये ध्यान से सुनना अगर एक ग्रुप ऑफ 5 कलर्स है उसमें से मुझे 3 कलर चूज करने हैं और उसमें से मुझे 2 कलर चूज करने हैं इसका आंसर सेम आ रहा है हमने डिस्कवर किया फॉर्मूले से इसका मतलब ये कि 2 कलर नहीं चूज करने और 2 कलर चूज करना बात एक ही है समझ में आ रहा है 2 कलर नहीं चूज करने तरीके तरीके बात एक नहीं है तरीके इक्वल है उसमें 3 के ग्रुप बन रहे होंगे और इसमें 2 के ग्रुप बन रहे होंगे बट तरीके नंबर ऑफ वेज इज इक्वल थोड़ा आराम से सोच लो इस चीज के बारे में ठीक है वन फाइव में से वन तो ये पार्टनर से 3 करना था इसलिए ये वाला 5C3 यूज किया ना हां ये फार्मूला है और वैसे भी सोच लो आराम से अच्छा खुद भी ट्राई कर सकते हो तो ये फार्मूले से तो डायरेक्ट निकल जाएगा बट ऐसा नहीं कि तुम्हें फार्मूले की आदत लग जाए ऐसा भी नहीं करना सोचना समझ भी आता है कि फार्मूला डिराइव कैसे हुआ है एक बार फार्मूला डिराइव करना समझ में आ गया उसके बाद फिर तुम कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं ड्राइव मतलब कि वो मैच कर रहा है ड्राइव तो नहीं ड्राइव वाला भी तुम्हें कराया नहीं है बट मैच कर रहा है ये फॉर्मूला मैच करना जरूरी है जो आप आंसर सोच रहे हो लॉजिकली उससे एक कलर चूज करना है पांच टोटल नंबर ऑफ वेज हां अभी तुम लोग 5 बोल रहे थे मैंने 30 बोला इसने 5 बोला 5 कलर है एक कलर चूज करना है 5 में से कोई कितने वेज होंगे निकालने में होंगे एक
पांच में से एक चूज करना है, कोई कलर चूज करना है, या तो मैं रेड करूंगा या ब्लू करूंगा या ग्रीन करूंगा या व्हाइट करूंगा या येलो करूंगा। पांच आ गया। सर्टी किसने बोला? मैं बोल रही हूं बढ़िया। देखो जैसे आपने बोला कि एनसीआर मतलब एन कितना है मेरे पास, 5 और आर मैंने लिया 1, तो 120 हो गया उसका फैक्टोरियल 5 का, एंड 1 मतलब 1 का फैक्टोरियल 1 होता है ना, और 5 माइनस 1 किया 400। 4 का फैक्टोरियल कौन निकालेगा? कौन का 4 का फैक्टोरियल भी तो निकाल लेना। हां 5 आएगा भैया। अच्छा 4 का भी निकालना है, फॉर्मूला में राइट करके तुझे कर दे। 5 आ रहा ना, फॉर्मूले से 5 आ रहा ना, फॉर्मूले से 5 आ रहा, वैसे ही 5 आ रहा, लॉजिकली 5 आ रहा है, दोनों चीजें साथ में के चलनी, लॉजिकल आंसर भी होना चाहिए ताकि ऐसा लगे, ऐसा ना लगे फॉर्मूला सिर्फ फॉर्मूला हो गया, ऐसा नहीं, आपको समझ में आना चाहिए फॉर्मूला ऐसे ही नहीं है, लॉजिकल आंसर इज मैचिंग द फॉर्मूला। चलो एक अच्छा क्वेश्चन और लेता हूं आपको, सिंपल ये हो गया ना भैया, इसका आंसर कितना है? 5 और कोई भी नहीं करना तो नीचे 5 को आराम सोच, जल्दीबाजी मत करा कर, ऐसी बात कर रहे हो कि पता है पहली बार जब जीरो किसी ने बोला ना, जीरो नंबर होता है, पता क्या बोला था कि अगर अगर कुछ कोई चीज़ है ही नहीं तो उसको कैसे नंबर बोल सकते हैं, बहुत वैलिड वैलिड आर्ग्यूमेंट है कि बोला जीरो के नंबर की जरूरत पड़ेगी, आगे किसी ने बोला कहते पागल है, तो जीरो नंबर की जरूरत पड़ेगी, जब कोई चीज़ है ही नहीं तो मैं उसको नंबर क्यों दूंगा, है ना? पहली बार देखा गया है यूज होता हुआ, वो भी इंडिया से आया है, जीरो भारत से, आर्यभट्ट नहीं, ये भी बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, ब्रह्मगुप्त करके एक बंदा था उसने, तो आर्यभट्ट कई लोग बोलते हैं आर्यभट्ट ने किया, ये तक पता नहीं क्लियर नहीं है, बट एनीवेज क्लियर नहीं है कोई चीज, किसने निकाली किसने नहीं निकाली, अपने को उससे मतलब नहीं, अपने को मतलब होना चाहिए कहाँ से आया, इंडिया से आया, और दूसरी चीज ये की बहुत सारे लोग बहुत समय तक ये रिपोर्ट करते रहते कि जो नंबर जो चीज है ही नहीं उसको हम क्या क्यों कोई सिंबल दें, समझ रहे हो, और जीरो के आने के बाद क्या हुआ ये तो आप खुद को रिसर्च करनी चाहिए, आप खुद सोचो कि क्या जीरो आने से फायदा हुआ कि नहीं हुआ, बहुत फायदा हुआ, क्योंकि काउंटिंग आगे बढ़ी, हां काउंटिंग आगे बढ़ी, अगर जीरो नहीं रहता तो 9 क्या है, काउंटिंग ही नहीं जाती, तो क्या हुआ 9 क्या नहीं, काउंटिंग कैसे नहीं जाती, जीरो नहीं रहता है सिंबल जिसका, तो 1 से स्टार्ट करते हो, ओके कोई बचा नहीं, और एक ग्रुप ऑफ 10 हो गया, ये सबने सब समझ में आया ना, आप नहीं समझते नंबर सिस्टम वाले टाइम पे, पर भैया जीरो की वैल्यू कितनी ज्यादा है, एक जीरो रहती तो अपने पास 10 रुपए रहते, एक जीरो बढ़ जाता तो 100 हो जाते, गुरु पानी तो वो है कि हम इमेजिन कर अगर रहते हैं, चलो मैं ये चीज इसमें डिस्कस करूंगा क्लास के बाद, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जीरो से क्या फायदा हुआ। हां भैया एक इसमें काम करो, लिख लो इस क्वेश्चन को, व्हाट वाज द बेनिफिट ऑफ डिस्कवरिंग जीरो, व्हाट वाज द बेनिफिट ऑफ डिस्कवरिंग जीरो, जो भी क्वेश्चन माइंड में आया ना बच्चों लिख लिया करो, कुछ पता क्या चीज है, वो क्वेश्चंस तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, समय के साथ साथ वो क्वेश्चन उसका आंसर आएगा और तुम्हें फायदा होगा, बहुत कोई भी क्वेश्चन को खाली नहीं जाने देना, हमको मैं अब एक और चीज कराना चाहता हूँ, ये तो हो गया हमारा,
सब मोबाइल, सबने मोबाइल नंबर देखे हैं, मोबाइल नंबर। हाँ भैया। तो आप मुझे बताओ कि एक कंट्री है, तुमने नोटिस किया होगा पहले मोबाइल नंबर से 9 चालू हुआ था, बाद में जैसे इंडिया स्टार्ट होते थे भैया। हाँ राजस्थान में कॉल करते तो जरूर भैया, जैसे इंडिया 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 के जो नंबर रहते हैं वो 91 की सीरीज से रहते हैं, है ना, मतलब प्लस 9 प्लस 91। तो जो प्लस 92 रहता है वो कौन सी सीरीज, पहले जो नंबर मोबाइल नंबर आए थे सारे के सारे 9 से ज्यादा होते थे, ठीक है, बाद में फिर 7 से होने लग गए, 8 से होने लग गए। तो मेरे को ये हमें करना है क्वेश्चन है कि कितने लोगों तक 9 तक प्रॉब्लम नहीं आई थी, मतलब कि अगर नंबर 9 से चालू हो रहा है, नंबर 9 से चालू हो रहा है, पहला मतलब 9 है, पहला नंबर 9 है, टोटल कितने नंबर होते हैं, अब यहाँ पर कितने बचे, ये 9 बचे टोटल, 9 स्पेसिस बची हैं, पहला 9 है, कितने लोगों की भीड़ को यूनिक नंबर मिल जाएगा, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब कि अगर मान लो 10,000 लोग हैं, क्या 10,000 लोग पूरे हो जाएंगे, अच्छा 100,000 लोग हैं, 100,000 लोग हैं, क्या 100,000 लोग पूरे हो जाएंगे, 1,00,000 लोग हैं, ये 10,00,000 लोग हैं, पहले 10,00,000 लोग पूरे हो जाएंगे, या 1,00,000 लोग हैं, 100,00,000 लोग हैं, कितने लोग पूरे हो जाएंगे इसमें भैया, खुद से खुद हो सकते हैं 1,00,000। हाँ क्या बोल रहे हो, ज्यादा से ज्यादा 1,00,000 लोग हो सकते हैं, कैसे पता, अच्छे से देख लो, मैं बोल रहा हूँ कि इधर मान लो मैंने पहले बंदे को नंबर दिया 0,0,0,0,0,1 0,0,0,0,0,2 ऐसे करते करते मैं कितने कहाँ तक पहुँच पाऊंगा, 90 सारे के सारे कहाँ तक, कितने हो जाएंगे ये सारे 9,9,9,9,9,9,9,9 हो जाएंगे ना, नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा, मेरा क्वेश्चन ये कि 8 डिजिट नॉन डिजिट नंबर है, 9 डिजिट है, यूजिंग कितने डिजिट्स होती है हमारे पास, 0 से लेकर 9 तक, टोटल कितनी हो गई, 10। हाउ मेनी नंबर्स, यूनिक नंबर्स यू कैन मेक, हाउ मेनी, क्वेश्चन लिख लो, हाउ मेनी यूनिक 9 डिजिट यूनिक नंबर्स यू कैन मेक बाय यूजिंग 10 डिफरेंट नंबर्स व्हिच इज 0 to 9, हाउ मेनी यूनिक 9 डिजिट यूनिक नंबर्स, 9 डिजिट यूनिक नंबर्स यू कैन मेक बाय यूजिंग, यू कैन मेक, हाँ, बाय यूजिंग 10 डिफरेंट सिंबल्स, एंड सिंबल्स आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिफरेंट सिंबल्स, सिंबल्स आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सबको समझ में आ गया ना, ये सिंबल्स है, मैंने सबको समझाया था बहुत अच्छे से कि ये सिर्फ सिंबल्स है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सिर्फ सिंबल्स है। सिंबल मीन्स कोई एक चेहरा दे दिया किसी को, जैसे हिंदी में जो नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक कितने अलग दिखते हैं ना, 1 जो है वो 2 की तरह दिखता है, 1 ऐसे दिखता है ना, थोड़ा की तरह दिखता है थोड़ा सा, और 4 तो पता नहीं बिल्कुल एक दूसरा दिखता है, 4 तो 6 की थोड़ा सा अलग सा दिखता है, 6 3 सेम दिखता है। तो एक्चुअली क्या है, ये जो 10 डिफरेंट सिंबल्स है ना, ये यूज कर सकता हूँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है कोई भी 10 सिंबल आ सकता है, यहाँ पे कोई भी 10 सकता है, यहाँ पे कोई 10 सकता है, यहाँ पे कोई 10 सकता है, ऐसे हर एक जगह पे कौन आ सकता है, कोई भी 10 से सिंबल आ सकता है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए यहाँ पर 10, फिर यहाँ को मैं यहाँ चेंज करता जा रहा हूँ, यहाँ पर 10 मतलब 10 सिंबल्स, कितना हो गया 10 की पावर 9, 10 की पावर मतलब 10 के बाद 9 जीरो, तो ये कितने जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये मतलब हो गया
सो अपन अब ग्रुपिंग करें तो तीन तीन का करते हैं ना अपन पीछे से, तीन तीन, अरे कितना हो गया बताओ मैं भाई, हजार एक अरब, एक अरब कितनी जनसंख्या है हमारा, ये इतने 100 करोड़ हुए ना, अनकाउंटेबल है, 100 करोड़ होते हैं करोड़ में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 100, तो यहाँ पर कितना, ये 100 और 1 करोड़ है पूरा, 100 करोड़ है ना, 100 करोड़ लोगों तक नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं थी, बड़े हमारे भारत में अलग हो गए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मतलब मोटी मोटी बात कर रहा हूँ, हालांकि बहुत सारे नंबर तो किसी को दिए ही नहीं होंगे, 9000000 किसका नंबर होगा ऐसा, वो किसी जब एम्बुलेंस किसी मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का नंबर होगा, वो ऐसा नंबर स्पेशल नंबर होता है, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हर एक जगह तो मैं बोलूँ मैं 3 डिजिट नंबर, अच्छा चलो अभी सबसे सिंपल काम करते हैं, लॉक देखा है वो वाला जो लॉक रूम पे लगा रहता है, उसमें तीन सिर्फ तीन नंबर है, मान लो तीन नंबर है, तुम्हें खोलना है लॉक, तुम्हें क्या करना है खोलना है लॉक, तुम कितने तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा कि लॉक खुल जाए, कितने डिफरेंट डिफरेंट केसेस ट्राई करने पड़ेंगे, सोचो दिमाग लगाओ आराम से सोचो, तीन सिर्फ तीन है और कम करूँ क्या, तीन से भी कम करूँ क्या, चलो सिर्फ दो है, मानते सिर्फ दो है, एक लॉक में सिर्फ दो है, एक लॉक है इसमें सिर्फ दो डायल है, इसमें क्या हो सकता है, 0 से लेकर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसमें तुम्हें कितने डिफरेंट ट्राई करना पड़ेगा कि लॉक खोल दो, मान लो इसका नंबर जिसको पता था वो नहीं है यहाँ पर, अब बिल्कुल नहीं है, वो प्रश्न करने गई थी बाद में उसकी गलती पर, अब तुम्हें खोलना है लॉक, तुम्हें कितने नंबर ट्राई करने पड़ेंगे, तुम क्या पहले क्या ट्राई करोगे, पहले अगर सीक्वेंस वाइज देखो तो पहले क्या ट्राई करोगे, सोचो आराम से, सब अपना अपना सोचो, पहले तो मतलब खुलना पॉसिबल है कि नहीं, 1 घंटे के अंदर खुलना पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबल नहीं, 1 घंटे हो जाएगा काम, नहीं हो पाएगा, दो ही है, दो ही डायल है बस, भैया तो कोई भी कोई ना एक तो नंबर लग ही जाएगा ना, फिर से 0 और 0 अप टू 9 ही नंबर है, हम सब नंबर ट्राई करेंगे तो एक तो लग ही जाएगा, सब लोग को ही जाएगा, पर हमेशा मतलब कितने नंबर टोटल कितने नंबर है मुझे बता दे, तो 0 टू 9 जैसे है नंबर, दो दो है ना, पर डायल दो है, टोटल नंबर कितने हैं, क्वेश्चन का आंसर मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ और उसका कुछ और जवाब नहीं हो सकता बेटा, क्वेश्चन ये है कि डिफरेंट कितने नंबर्स हैं टोटल लॉक में, कितने डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं, कितने डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड्स हैं, जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पासवर्ड्स डिफरेंट ऑल डिफरेंट पासवर्ड क्या क्या हो सकते हैं भाई, 100 हो गया, 1 2 1 7 3 0 1 ऐसे कितने टोटल डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड्स पॉसिबल हैं, 0 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
जब ये पूरा जीरो आता है तो वो पूरा कितना आता है ना, फिर 50-50 दोनों नाइन आता है तो जीरो आता है ऑफिस से, पहले वाला जो घूम रहा होता है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हुआ, अब वापस घूमेगा तो वो जीरो हो जाएगा बट ये वाला 1 हो जाएगा। किसने देखा ये वाली चीज, देखिए किसने, नहीं देखी ना आज तक, स्कूटी स्कूटी नहीं लगी किसने आज तक, बस साइकिल चलाई, साइकिल में मीटर लगाया। स्कूटी में क्या, स्कूटी में जो सबसे राइट वाला जो जो होता है नंबर वो जीरो से लेकर नाइन तक जाता है, नाइन जाती है जैसे वापस घूम रहा होता है तो वो जीरो होता है और अगले वाला 1 हो जाता है। भैया वो जैसे 2 वर्ष होती है तो 1 0 होता है तो फिर 1 जैसे वो 0 होता है ये 1 हो जाता है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पासवर्ड है डिफरेंट, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि व्हाट आर द डिफरेंट टोटल पासवर्ड्स, सो इसका आंसर 100 जैसे अंजलि ने बोला, तुम ट्राई करो, पहला 0 है दूसरा 1 ठीक है, अब मैं यहाँ रखता हूँ पहले को 0 रखता हूँ सिर्फ, 0 रखता हूँ पहले को सिर्फ, तो ये क्या क्या हो सकता है, अच्छा पहले 0 0 रख लेता हूँ, 0 0 दोनों 0 है, 0 1 0 2 ऐसे करते करते मैं 0 अब इन सब के लिए 0 9 है ना, अब इसके लिए भी क्या होगा, इसके लिए इस पूरे के लिए क्या होता है पता है, 1 0 2 0 3 0 और इसके लिए सकता है 1 1 1 2 2 1 तो ये 10, इसके लिए भी 10 रोज, इसके लिए भी 10 रोज, इसके लिए भी 10 रोज, पूरे 100 होते हैं, 100 हो जाएगा ना पूरा, समझ में आ रहा है सबको, तो 100 पासवर्ड तो एक घंटे में ट्राई कर सकते हैं, तो पहले 0 0 ट्राई करो, फिर 0 1 ट्राई करो, 0 3 ट्राई करो, हर सेकंड में एक ट्राई हो रहा है, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, 120 सेकंड होते हैं 2 मिनट, चलो तुम 2 सेकंड ले लो हर किसी के लिए, 5 सेकंड ले लो तब भी एक घंटे में तो सॉल्व हो जाएगा ना, क्योंकि 2 मिनट में सॉल्व हो रहा है, 1 सेकंड में ट्राई किया, अच्छा वे ट्राई किया और नहीं खुला, ट्राई किया अरे नहीं खुला कितनी बार करना पड़ेगा, 100 बार, इसलिए कभी 2 नहीं होते, कभी साइकिल वाले में भी कभी 2 नंबर नहीं होते, एटलीस्ट 4 होते हैं, अब 4 में कहूँ कितने होते हैं, 4 में कितने, 4 में डबल होगा, 200 400 नहीं भैया, 800 होगा क्योंकि पहले हाँ पहले उससे करो फिर उससे, पक्का समझ लो, देख वो गलत आंसर नहीं चाहिए, सही आंसर चाहिए, 800 होगा देख सिंपल, देख यहाँ पर कितने केस की प्रॉपर पॉसिबल है, 10 एक और डैश आगे कितना हो गया 10, एक के लिए होता क्या था, एक के लिए कितना 10 होता ना, एक के लिए अगर सिर्फ एक होता तो क्या होता, या 0 होता या 1 होता या 2 होता 3 होता 4 होता 5 होता 9 होता, बस एक के लिए सिर्फ 10 होते, 2 के लिए कितना हो गया 100, 3 के लिए कितना हो जाएगा 1000, 4 के लिए 10000, समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है ये काम, देखो ऐसे चल रहा है यहाँ पर, भैया स्क्वेयरिंग हो रही है, हाँ मतलब पावर में जा रहा है, अब इसका सीधा सीधा खेले देखो, इसमें हर एक से 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके हर एक से 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके हर एक से 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर पावर समझ आ रहा है, अब तुम्हें मैं इसके एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत अच्छा, इसे आप इस रूम में देखते हैं कितनी टाइल्स है, 1 2 3 4 5 6 और ऐसे कितनी टाइल्स है, 1 2 3 4 5 मान लो 6 टाइल्स ऐसे, तो ये कितनी टोटल टाइल हो जाएगी, 6 × 6 कितना होता है, 36 कॉन्फिडेंस बहुत है, 6 × 6 करना है, तो मान लो ये तो रो है, ये कॉलम है, एक ऊपर और है मतलब डब्बे क्या है, हाँ तो 6 ऐसे 6 ऐसे और 6 ऊपर भी है, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 36 × 6 क्योंकि एक एक रो में कितने होंगे, 36 हो गए, उसके ऊपर एक कितनी रो है, 6 ऐसी है ना, समझ आया मैंने क्या बोला, एग्जांपल देता हूं, भैया आप व्यास करते हैं जी, भैया वो कब बताते हैं,
क्या कब बजा रहते हैं वो म्यूजिक कीबोर्ड? हाँ ये रियाज के टाइम पे बजाते हैं, और ऐसे मैं म्यूजिक बनाता रहता हूँ तो उसमें भी वो होता है। क्लास होती है म्यूजिक क्लास होती है, और रवीना ने डाल रखा है रियाज के ऊपर डालने को, बोल रहा उसको म्यूजिक क्लास भी करते हैं। मैं मुझे क्लास नहीं करने, मुझे एक बार बजाना। अब तो बजाना तो अब क्लास की बात है, कोई बताएंगे दूंगा इसे। अब ये मान लो ये ऐसे है ना, तो इस ये जो क्यूब है, इस क्यूब ऐसे छोटे छोटे क्यूब मैंने रख लिए, कितने सिक्स, इसके इसके ऊपर रखा मैंने एक क्यूब, एक क्यूब रखा इस पे, तो एक टोटल कितने आएंगे जमीन पे 36। समझ में आ गया ये वाली चीज? अब मान लो दीवार तक टच होने के लिए छह और ऊपर आ रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छह, छह होते ही ऊपर दीवार तक पहुंच गए, तो इस रूम में टोटल कितने क्यूब हो जाएंगे? टॉपिक का नाम है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं काउंटिंग कैसे करते हैं, दिस इज अ डिफरेंट वे ऑफ काउंटिंग। और हमने आज एक और चीज डिस्कस करी कि व्हाट इज एनसीआर, चूजिंग आर थिंग्स फ्रॉम ग्रुप ऑफ एन, एन चीजें हैं उसमें आर चीजें चूज करनी। मैं तुम्हारा मैं एक सरल को रिव्यू करना चाहता हूँ, सरल में क्या क्या चीजें हैं, तो अभी क्लास में एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्या डालना पड़ेगा सरल खोलने के लिए? सरल डॉट ऐसे आ रहे हैं नहीं ना, ठीक है खुल गया। So, इसमें जो पाइथन वाली चीजें है ना वो देख लेते हैं, पर अभी 5 से 10 मिनट बाकी है क्लास के अंदर, तो बस क्या क्या पाइथन में, अरे छोड़ा ऐसे कैसे देख लेंगे, प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग, तो चलो वो तो मेरे को मतलब नहीं उससे, इंट्रो टू एचटीएमएल, बेसिक पाइथन, बेसिक प्रोग्रामिंग, और लिस्ट भी है ना, डिबगिंग भी अलग है क्या, कुछ रिकर्जन का रिकर्जन दिखा नहीं, फंक्शन सिखा दूंगा फिर रिकर्जन कर लेंगे, पहले पहले फंक्शन समझा दूंगा, फंक्शन में होगा वो को दिख नहीं रहा एक्चुअली, ठीक है तो हम रिकर्जन करेंगे, और जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं सरल में मेरे को ले बात लेके आ सकते हो कभी भी, फुल टाइम मैं इस चीज़ के लिए अवेलेबल हूँ। एक और चीज़ मुझे करानी थी, हाँ अब मैं एक और चीज़ कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद पाइथन, उसका कोर्स करा रहा हूँ, उनको बहुत अच्छा कोर्स है विवेसिटी का, तो मैं चलाऊंगा कोर्स वीडियो इस पर, हम लोग कोर्स वीडियो देखेंगे, हर वीडियो सबसे बड़ी बात ये कि हर वीडियो 2 मिनट का वीडियो है, तो हर दिन हम या 2 या 3 वीडियो देखेंगे, आज हम बस एक दो वीडियो देखने वाले हैं। जैसे तुम्हें मैं बोलूँ कि तुम्हें एक क्लास बनानी है, और क्लास क्या है मान लो ये बॉटल, तो अब तुमने क्लास बना दी बॉटल, कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है मतलब वस्तु, वस्तु कोई चीज, ऑब्जेक्ट मतलब कोई चीज, तो अब तुम्हें बताऊँ बॉटल में, अब तुम बॉटल की क्लास बना रहे तो उसमें क्या क्या चीजें, ठीक है, और कितने रुपए की है, और क्वांटिटी क्वालिटी
तो कंपनी कौन सी है, तो ये यही एग्जैक्टली यही सब चीजें को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। वैसे सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो हां सी प्लस प्लस भी है, पाइथन भी है, जावा भी है। तो अभी मैं क्या कर रहा था, मैं तुम्हें दिखाने वाला था, आज हम चालू करते हैं यहाँ से। और भैया आज ही देखेंगे क्या? दो वीडियो देखेंगे बस, ये तुम बता रहा हूँ, कोर्स इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। मेरे को बस देखना कि स्पीकर नहीं है क्या, स्पीकर है नहीं। बस एक मिनट में हो गया भैया, लास्ट में म्यूजिक बजाओ, लास्ट में म्यूजिक होगा साइलेंस वाला म्यूजिक भैया। अच्छा ये वाला ही नेक्स्ट अलग से रखेंगे इसी क्लास, इसको मिक्स मत करो, ये क्लास सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है मेरे मेरे उसके लिए। तुम्हारी लर्निंग अगर हो रही है तभी तुम्हें को मजा आएगा ना, नहीं तो मजा क्या आएगा मुझको, तुम्हारी लर्निंग भी नहीं हो रही होगी इधर। आज तो मैं एक्चुअली क्या थोड़ा लेजी हो गया, मेरी चोट लगने के बाद मेरा मन नहीं करता स्कूल उठने का, तो मैं 10 डेज वाला कोर्स करके आऊँगा तो ऑफिस मेरा मन हो सुबह उठने का 4 बजे वाला सीन हो जाएगा। सो 2-2 बजे सो रहा था आपको आज, थोड़ा माइंड मेरा भी वो हो गया है, डिस्ट्रैक्ट हो गया है। बट एनी वेज हाँ, सो अगर Before we dive in, I want to introduce myself and also share with you 2 reasons why I'm really excited to teach this course. First, I love teaching. Before joining Udacity, I was a 6th grade science teacher in India. I remember really enjoying presenting new ideas to my students that would make them question what they already knew. That experience led me to pursue a master's degree from the School of Education at Stanford. चलो हम इसको नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे, बेटर रहेगा। अभी मेरे को सेटअप करना है, मुझे स्पीकर की साउंड का सेटअप करना है। और सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं बेसिकली पैटर्न के साथ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फंक्शन में कराऊंगा सारी चीजें मैं कराने वाला, बट तुम बस एक चीज़ करनी बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस जो मैं कराऊँ जो मैं कह रहा हूँ वो प्रैक्टिस करो, और तुम्हारा जो खुद का जो काम है उस पर डेडिकेटली काम करो, ठीक है। सो अभी 5 मिनट का टाइम लगाऊँ प्रैक्टिस कर, 5 मिनट नो 3 मिनट का, मैं 2 मिनट, 2 मिनट का, हां मुझे मेडिटेशन करना, 2 मिनट हां, मतलब आज तो पूरी शाम को मेडिटेशन करना, तो शाम को भी आ जाएगा 2 मिनट के लिए, तो मैं 2 मिनट के लिए रख लिया करूं, मैं मेडिटेशन क्यों कर रहा हूं आओ ना, कौन मना कर रहा है भैया, मैं बोल रहा हूं 2 मिनट लेना, मैं ग्रुप पे भी डालता हूं 6 5 मैं डालता हूं ग्रुप पे, कोई आज तभी कोई नहीं आता भैया, मेरे पता नहीं क्या था, सब चालू होते हैं पढ़ाई कर क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो भैया, मैं कुछ बोल रही हूं भैया, मेडिटेशन के क्या एडवांटेज है, दिमाग अच्छे से काम करता है ना, प्लीज स्किप करो। तो देखो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपसे आप मेडिटेशन जो है ना इसको इसको समझना कि मेडिटेशन है क्या, पहले तो एक होता है आप सो रहे हो ठीक है, एक होता है आप जग रहे हो, जैसे आप जग रहे हो, एक होती है ऐसी स्टेट ना तुम सो रहे हो ना जग रहे हो, मतलब कि जगे हुए हो पूरे जगे हुए हो पर पूरे रिलैक्स हो, वो मेडिटेशन वाली स्टेट होती है, जिसमें जिसमें कहीं और कुछ बाहर आप बाहर नहीं देख रहे, या तो कोई ऑब्जेक्ट इनर अंदर ऑब्जेक्ट है उसको देख रहे हो। उसके फायदे क्या होते हैं, ये बॉडी एज बढ़ जाती है बट मेंटल एज वो नहीं होती, एज नहीं होती, मतलब न्यूरोप्लास्टिसिटी टाइम होती है, क्या बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, कि माइंड एज के साथ साथ कनेक्शन बनाना छोड़ देता है नए कनेक्शन, बट जो लोग मेडिटेट करते हैं ये पाया गया कि उनके उनका जो माइंड है वो कोई भी एज हो, चाहे 70 साल के हो चाहे 80 साल के हो जाए, कोई भी एज है उनकी, उनका माइंड जो है वो हमेशा नए पैटर्न बनाता रहता है। सो बेसिकली मेंटल एजिंग नहीं होती, बॉडी तो एज करती है, माइंड यंग रहता है, लर्निंग हर चीज, इट्स लाइक अ रीबर्थ, मेडिटेशन इज लाइक अ रीबर्थ, समझ रहे हो, पर तुम्हें मानना नहीं कुछ भी, तुम्हें जानना है, डोंट बिलीव इन इट, रिसर्च अबाउट इट, सर्च गूगल से पूछो एक दिन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, नॉट डोंट जस्ट बिलीव मी। और इट्स अ स्टेट, सो जिन्होंने देखा ही नहीं है उस स्टेट को तो थोड़ा लग सकता है कि क्या होगा कैसे होगा, नहीं भैया माय सिस्टर आल्सो डूइंग इट,
अच्छा दैट इज गुड. चलो मैं लगाओ 2 मिनट का टाइम. 2 मिनट ब्रेथ पे ध्यान देना है ठीक है. कुछ भी हो जाए ब्रेथ पे ध्यान देना है. ओके भाई सांस तेज कर लेते हैं. जैसे अगर मैं बैठा हूँ और नेचुरल ब्रेथ पे नहीं हो रहा, गहरी सांस लेकर और धीरे धीरे छोड़ना है. बट ध्यान कहीं और नहीं जाना चाहिए, ध्यान से सांस पे होना चाहिए. ये नहीं बॉटल हाथ में वो जैसे खेल रहा है या किताब पढ़ी है, किताब पढ़ी है किताब से चल रहा है या पीछे पीछे. नो भैया मैं नहीं बता रहा हूँ, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, मैं इंडियन भी बोल रहा हूँ. क्या कोई पीछे दीवार ना छोड़ी गई, दीवार में ऐसे कोई बाहर वाली चीज से वो नहीं करना है. अगर किसी को सांस पे ध्यान नहीं आ रहा, जैसे मेरे को तो मैं तो घंटों घंटों बैठ सकता हूँ सांस, कोई नहीं बैठ पाता, तो उसको क्या करना है. बट सांस के अलावा और ध्यान नहीं होना चाहिए, नहीं तो फायदा नहीं है ऐसा कोई. पूरा ध्यान सांस पे ठीक है. चलो थैंक यू फॉर क्लास. रिवाइज करना बस क्लास अच्छे से ठीक है. होमवर्क ना करो, रिवाइज करना. ओके.